इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ अहम खबरों का जिक्र किया जाए तो पहले कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है और एक महीना तक इसी तरह कारोबार बंद रखे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन की कमी के चलते बेलगाम में नो स्टॉक की तख्ती बिम्स की जानिब से लगाई गई। 3 महीने बाद मिलेगा वैक्सीन का दूसरा डोज। सिविल अस्पताल में बेड खाली रहने के बावजूद भी मरीजों को बेड क्यों नहीं, अवाम में बिम्स को लेकर नाराजगी। आज भी ऑक्सीजन की कमी, आखिर एनजीओ को क्यों नहीं दिया जा रहा ऑक्सीजन। कर्नाटक में 10वीं इम्तहान को किया गया मुलतवी, जब तक कोरोना का असर कम नहीं होगा इम्तहान नहीं, कहा वजीर तालीम। पूरी दुनिया में भारत की तस्वीर को कलंकित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। विदेशी मीडिया ने कहा कि भारत की तस्वीर को कलंकित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत में मजहबी आजादी नहीं, कहा यूनाइटेड नेशन ने। इतनी जिल्लत के बाद भी प्रधानमंत्री इश्तेहारात करने से बाज नहीं आ रहे। कर्नाटक में कोरोना के मामले घटाए और बढ़ाए जा रहे हैं। दिन ब दिन गरीब की जिंदगी गुजारना दुश्वार होता जा रहा है। बेलगाम शहर में फिर 1500 पॉजिटिव मरीज दिखाए गए। आखिर गरीबों का क्या होगा, तमाम सवाल पर सबसे पहले नजर डालते हैं रमजान, ईद और बेलगाम शहर के हालात। कल बरोज जुमा ईद उल फित्र शहर में अदा की गई। मस्जिदों में महदूद लोगों के साथ नमाज ईद अदा करने की खबर हासिल हुई। कुछ जगहों पर पुलिस की मौजूदगी भी देखी गई। इस दौरान एक खास बात का जिक्र करना मुनासिब समझूंगा कि ईद की पहली रात में कुछ लोगों की जानिब से वीडियो वायरल किया गया जिसमें मस्जिदों में नमाज की इजाजत दिए जाने की बात कही गई थी। लिहाजा कन्नड़ न्यूज चैनल की यह क्लिप काफी पुरानी थी, पर इसे कुछ सोशल मीडिया मुजाहिदीन ने वायरल किया और इस पर इंतजामिया की तवज्जो भी गई, जिस पर रात में ही पुलिस इंतजामिया चौकन्ना हुई। कहने का मतलब, सब कुछ ठीक चलता रहता है पर कुछ लोगों की शरारत से सब कुछ बिगड़ जाता है। जाहिर है पहले से डरी हुई कौम को और बहाना मिल जाता है। जहां कहीं छिप कर नमाज अदा भी कर रहे होंगे तो मस्जिदों के इमामों को या फिर जिम्मेदारों को पुलिस कार्रवाई का डर तो रहता ही है, इसी में इस तरह का बहाना मिल जाता है। और जहां कहीं महदूद लोग नमाज अदा भी करते होंगे तो बंद हो जाता है। कहने का मतलब, कुछ लोगों की हिमाकत से इबादतों में खलल पड़ जाता है। और एक खास बात यह भी देखी जाती है कि मस्जिद के बाहर कट्टों पर बैठकर फलस्तीन से लेकर दुनिया की खबरों पर तबसरा तस्करा सरों को जोड़कर किया जाता है, पर जब मस्जिद में जाते हैं तो फौरन कोरोना याद आता है और सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करने लगते हैं। अब इस कौम पर जितना भी मातम मनाए कम है, और वैसे भी जब से कोरोना आया है माशरे में हद्दुल इम्कान खौफ देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी मौतें हो रही हैं अक्सर और बेशतर डर की वजह से ही हो रही। आज ईद का दूसरा दिन बेलगाम की जबान में बासी खुतबा कहा जाता है। थोड़ा पलट कर देखो, क्या दिन थे पहले और आज कहाँ है। मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर रिश्तेदारों से मिलने तक तमाम कामों को फरामोश कर दिया गया। किस हद तक मोहब्बत थी हमारे अंदर, सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है। घरों को जाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद, दोस्तों अकारीब के घरों में जाकर मोहब्बत का इजहार, अख़वत का मुजाहरा। अब तो हमारे दीनी रहनुमाओं ने हाथ मिलाने से भी मना किया। बेलगाम शहर के अक्सर घरों में मोहब्बत अख़वत का एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलता था। छोटे मासूम बच्चे मोहल्ले में नए कपड़े पहनकर घूमते थे और मोहल्ले की जेब और जीनत में इजाफा करते थे। भाइयों में अगर कुछ कहा सुनी भी होती थी तो ईद के दिन सभी भूल कर खुशियां मनाते थे। खासकर असद खान दरगाह इहाते में ईद के दूसरे दिन मेले की तरह मंजर दिखाई देता था। कहने का मतलब, ईद यानी खुशियों की शादमानी की बारिश हुआ करती थी। हर कोई खुशियां मनाता था। नजदीक गार्डन या पार्क में जाकर, किसी रिश्तेदारों के गाँव में जाकर खुशियों को दोबाला किया जाता था। हमने सुना था कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुसाफा कर हाथ अलग करने से पहले कुछ तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला बख्श देता है। लेकिन आज कोरोना के बहाने सब कुछ खत्म किया जा रहा है। एक जहनी गुलामी में मुब्तला होते दिखाई दे रहे। घर का अगर कोई शख्स अपने दरमियान में रहता है और जब उसे कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है तो यह क्या छूते की तरह बर्ताव किया जाता है। माँ बाप बेटा यहाँ तक बीवी भी शोहर से दूर होने लगती है और इसी रवैये से उसका दिल टूट जाता है। कईयों ने तो इसी रवैये की वजह से खुदकुशी की पानी में कूद कर जान दी, जहर खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। सवाल यह भी उठता है कि जब तक पॉजिटिव नहीं था तब तक तो घर में ही था, सभी के साथ मिलकर रहा करता था। और अहम यह है कि पॉजिटिव होने के बाद भी सभी के साथ मिलकर था जब तक कि रिपोर्ट नहीं आई, तो अचानक अछूता कैसे हो गया। लिहाजा अपनों को खोने में हमारा भी किरदार कम नहीं है और इसी से बचना होगा। जब तक घर में था तो घर के तमाम अफराद भी पॉजिटिव होने थे, क्यों नहीं हुए। खैर, हमारी जिंदा रहने की चाहत और कोरोना को लेकर अपनों से दूरियां।
इंसान के हौसलों को तोड़ देती है। सिविल अस्पताल में सैकड़ों वाकये देखने को मिलते हैं। एम्बुलेंस में अपनी बूढ़ी वालिदा को कम उम्र नौजवान दाखिल करने की कोशिश करता है। बूढ़ी वालिदा को गाड़ी में किसी तरह बिठाने की कोशिश करता रहता है पर बिठा नहीं पाता और कोई मदद के लिए इसलिए आ नहीं रहा क्योंकि बूढ़ी वालिदा पॉजिटिव है। यकीन मानिए इस मंजर को देखने से किसी की भी आंखें नम हो जाती। माँ और बेटा दोनों जारों कतार रो रहे हैं। लिहाजा आखिर में कुछ सामाजिक खदमात करने वाले नौजवान आते हैं और उस बूढ़ी वालिदा को एम्बुलेंस में दाखिल करते हैं। किस कदर इंसान मतलबी हो गया। आखिर हमें जान से कितनी मोहब्बत हो गई है। अगर किसी की मदद किए बगैर हमारी जान बचने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। मौत से किसको रिश्तेदारी है। आज इनकी तो कल हमारी बारी है। ईद उल फित्र के मौके पर कुछ यादों ने यूं ही पिछली तस्वीरों को ताजा किया। कभी डर भी लगता है कि क्या वो वाकई दिन पलट कर आएंगे या नहीं। दवाइयां नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, दूसरी तरफ कारोबार नहीं, पैसा नहीं, नौकरी नहीं। आखिर किस आजमाइश के दौर से हम गुजर रहे हैं। आज भी बेलगाम मुर्दा घर में लाशें पड़ी हुई है। ताज्जुब उस बात पर होता है कि जिस बाप ने हमें पैदा किया उस बाप की चिता को आग देने के लिए बेटा आगे नहीं आ रहा। यानी कैसे तरबियत हुई है इनकी जबकि उसी बाप ने दिन रात एक करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया। आज अगर कोरोना से मौत होती है तो किसी एनजीओ को पैसे देकर लाश को ठिकाने लगाने की बात कही जाती है। उम्मत के नौजवान तबके से गुजारिश है कि इस मुशरिकाना सिफत को अपने अंदर लाने से बचो। जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है। दूसरों के खातिर अपनी जिंदगी सर्व करने का मौका मिल जाए इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आखिरत की कामयाब जिंदगी का सरमाया इसी दुनिया में कमाना पड़ता है। महज बुज़दिल बनकर कुछ महदूद इबादतों पर अगर तुम्हें फख्र है तो ऐसी इबादतें तुम्हें ही मुबारक। कल का यही वाकया पेश आया कि संकेश्वर से 3 किलोमीटर सोलापुर में एक हिंदू की मौत हुई तो पूरे गाँव से कोई सामने आने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों ने भी पीठ फेर ली। जबकि ईद थी और ईद की नमाज के बाद कुछ मुस्लिम नौजवानों को उस हिंदू शख्स की मौत की खबर हुई। महज उसका लड़का मौजूद था पर कुछ मुस्लिम नौजवानों ने ईद के दिन भी उसका अंतिम संस्कार किया। इस वीडियो को आखिर में कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगे। कहने का मतलब कोरोना ने अपनों को अपनों से अलग कर दिया। ईद की खुशियों से हमसे छीन लिया गया, रमजान की खुशियों से हमें महरूम कर दिया गया और मौत के डर से तुम्हारी इबादतों का मियार भी क्या हो सकता है, इसका भी एहतसाब होना चाहिए। दरअसल इल्मी दानिश्वरों को आगे बढ़कर बेदारी मुहिम चलानी चाहिए। जिस डर की वजह से लोगों की मौतें हो रही है, इतना डर अगर अल्लाह से होता तो शायद कईयों की निजात किन्हीं तौर पर हो जाती। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटिए, हर लम्हा हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तुम एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते। इस बात को अपने जहन में नक्श कीजिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।